गाइस, थ्री थ्राइस हियर। कैसे हैं आप लोग? ठंड का मौसम आने वाला है, दिवाली आ रही है और नवंबर एक जनरली थोड़ा सा, अक्टूबर नवंबर जो होता है थोड़ा सा खुशी वाला समय रहता है क्योंकि सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, नवरात्रि आने वाला है। आई होप सब जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि आज हम ब्रांड न्यू टाटा टियागो जो मैंने ख़रीदी थी उसको आज हम साफ़ करेंगे। फर्स्ट वॉश है आफ्टर 1 मंथ आई गेस। तो चलिए शुरू करते हैं। और डस्ट आपको दिख ही रही होगी इस गाड़ी में कितनी ज़्यादा है, और पीछे जो हथौड़ों की आवाज़ आ रही है उससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और बहुत रिसेंटली यहाँ पे सीमेंट अनलोड करी गई थी ट्रक से, तो उसका बहुत ही फाइन डस्ट इसके ऊपर आ गया जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है किसी भी गाड़ी के पेंट के लिए। थोड़ा सा अगर पानी इसमें पड़ जाए तो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगा ये, इसलिए इसको धोना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक मैं इस गाड़ी को रिबन्स के साथ ही चला रहा था क्योंकि एक होता है ना, जैसे कोई नई चीज़ होती है तो उसका प्लास्टिक नहीं हटाते हैं, रिबन्स नहीं हटाते हैं, तो वही मैं ट्राई कर रहा था कि काफ़ी दिन तक रहे, और एक महीना लास्ट कर गया। अभी हटाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है बट कभी ना कभी तो हटाना ही है। मुझे लगा था ये टेप निकालने से स्टिकर भी निकल जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और ये बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ था बुरी तरीके से ग्लास के ऊपर। तो इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया लेकिन मैंने बाद में इसको ब्लेड से हटा दिया है। ये मशीन आप लोगों को दिख रही होगी, बॉश एक्वाटेक 130 प्रेशर वॉशर। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, अगर आपको अमेज़ॉन से ख़रीदनी है तो। बहुत ही बढ़िया मशीन है गाड़ी को घर पे धोने के लिए, और जैसा कि आप देख सकते हैं हैवी से हैवी डर्ट निकल सकती है, तो ये गाड़ी इतनी भी ज़्यादा गंदी नहीं थी। बट आप मेरे वेंटो वॉशिंग वाले वीडियो में देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कि कितनी ज़्यादा गंदी गाड़ी भी धुल सकती है इससे।
अभी मैं एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ इस मशीन को यूज़ करने में, तो हो सकता है कुछ गुंजाइश रह गई हो, बट ओवर टाइम मैं इसको चलाना और अच्छे सीख रहा हूँ और अब मेरे वॉशेज और जल्दी होने लग गए हैं। तो आई थिंक ये कोई भी मशीनरी के साथ यही होता है कि पहले पहली बार आप बस उसको चलाना सीखते हैं, फिर आप एक टेक्निक डेवलप कर लेते हैं, रिदम डेवलप हो जाती है जिससे आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं और मोर एफिशिएंटली उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डोर पेंस को धो रहा हूँ और नहीं, पानी से अंदर नहीं जाता है, एक एंगल पे मारा जाता है जिससे सिर्फ डोर पेंस ही धुलते हैं। ये जो शैम्पू मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टर्टल वैक्स का कॉर्नोबा वैक्स एंड वॉश है। इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसमें वैक्स मिला हुआ है शैम्पू के साथ, तो आपको अलग से वैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाड़ी को, ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा शाइन आती है इसको यूज़ करने के बाद। इस शैम्पू का बस एक ही ड्रॉबैक है कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एक बार में, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है ये। बट इसका जो स्मेल है जिसका नाम कैरेबियन क्रश है, वो इतना बढ़िया है कि ऐसा लगता है कि किसी ने कोलोन लगाया।
के बोनेट पे पता नहीं किस चीज़ से वो फ्लावर्स चिपकाए थे रिबन वाले, वो ग्लू के दाग बहुत ही मुश्किल से निकले इसमें। बट मैंने भी ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया क्योंकि वॉश अब फ्रीक्वेंटली होती रहेगी तो वो कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा हैवी डिग्रीज़र यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टेन्स हैं जो जा नहीं रहे थे। प्रेशर वॉशर यूज़ करने से फ़ायदा तो है क्योंकि जो मड नीचे लगी रहती गाड़ी के उसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बट वही रीज़न बनता है आगे चल के गाड़ी रश जिससे होती है। अगर आप गाड़ी को अंडर बॉडी नहीं धो पा रहे हैं उसकी, या उसके व्हील वेल्स को नहीं ढंग से धो पा रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रबराइज्ड कोटिंग वाला पेंट ज़रूर लगवाएं अंडर बॉडी पे। तो जैसा आप यहाँ देखेंगे मैं रोटरी एक्शन वाला मोड यूज़ कर रहा हूँ, इससे टफ स्टेन्स बहुत आराम से निकल जाते हैं।
देख ही पा रहे होंगे कि मैंने सिमिलरली दरवाज़ों के पेंट्स को कैसे साफ़ किया है, और इससे पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा डस्ट और डर्ट जमती है क्योंकि ये चैनल्स होते हैं पानी को निकलने के लिए, तो इनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह ब्रश से टायर को धोने से फ़ायदा ये रहता है कि डर्ट दिखती नहीं है पहिए के किनारे किनारे। इसमें हम पॉलिश लगाएंगे बाद में, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो डर्ट होती है वो धीरे धीरे फिर गैप्स में घुसने की कोशिश करती है टायर और व्हील के बीच में, और फिर वही रीज़न बनता है कि आपके पहिए की हवा जल्दी जल्दी निकलती है। Thank you.
इस गाड़ी में जो रबर मैट्स मैंने लगाए हैं वो मैंने यूनिवर्सल मैट्स ख़रीदे थे अमेज़ॉन से अपनी पुरानी गाड़ी के लिए, तो वो मैंने रीयूज़ करे हैं और वो इतने ज़्यादा गंदे हुए नहीं हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क स्पिल हो गया था, दूध जो है वो मैं ला रहा था दुकान से तो वो थोड़ा सा गिर गया था मैट पे, तो मैंने बस पानी से धोए हैं मैट, साबुन लगाने की इनमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। ये मैट मैंने रिसेंटली शैम्पू वॉश किए थे तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश कर रहा हूँ और शैम्पू वॉश की अभी ज़रूरत नहीं है। सीट्स के पीछे जो आपको ये सिस्टम दिख रहा होगा जिसमें दो मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट और दो पानी की बॉटल रख सकते हैं, ये मैंने बाद में लगवाया है क्योंकि जब हम लोग ट्रिप्स पे जाते हैं इस गाड़ी को लेके तो जूस, पानी और भी पीने की चीज़ें रखते हैं तो इतने सारे पॉकेट्स की ज़रूरत है। ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी गाड़ियों में बॉटल होल्डर्स प्रॉपर साइज़ के नहीं दिए गए। तो यहाँ पे मैंने ब्रश हेड लगा लिया वैक्यूम पे, तो इससे अच्छे से रगड़ के निकलेगा जो भी इस पर चिपका हुआ है।
यहाँ वीडियो में बहुत ज़्यादा गीले लग रहे हैं मैट से, लेकिन एक्चुअली इतने गीले नहीं थे वो। अंधेरे में पानी थोड़ा सा ज़्यादा चमक रहा है, हालांकि मैट्स थोड़े से मॉइस्ट हैं। तो जैसा कि आपने देखा, गाड़ी बहुत ही शाइन कर रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है शोरूम से निकली हुई। आई होप ये ऐसी रहे सालों साल तक। तो चलिए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब कुछ बनाते हैं। तो गाड़ी धो के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो कुछ खा लेते हैं। चलिए, ये आप जो आपके सामने देख रहे हैं, ये मूँग की दाल का चीले का सामान है। ये मूँग की दाल मैं सुबह भिगो के गया था गाड़ी धोने से पहले, ये उसमें डलेगा चीले में, ये चीले में डलेगा ये सारा मटेरियल। और ये जो है टमाटर की चटनी का सामान है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम चटनी बनाएंगे। मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें पहले हम टमाटर डालेंगे। ये टमाटर हैं, ये हरी धनिया है, ये लहसुन है, ये मोटी मिर्ची है कटी हुई। इसके मैंने सीड्स मैक्सिमम हटा दिए ताकि मिर्ची लगे ना। बस यही सब है, इसको हम डाल देते हैं जार में। सॉल्ट आपके टेस्ट अनुसार थोड़ा सा डालेंगे, और थोड़ी सी चीनी अगर हम इसमें डाल देते हैं तो क्या होता है कि कलर जो है बरकरार रहता है और एक काली नहीं पड़ती जल्दी। तो एक चम्मच चीनी डाल दी गई है। तो चलिए इसको पीसते हैं। तो ये बन गई है हमारी बहुत ही इजी सी टमाटर की चटनी। ये देखिए, इसको जो है हम ड्रेसिंग कर देंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं टमाटर की चटनी पीसी थी, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें दाल पीस देंगे। दो लहसुन लेंगे,
वैसे तो आप अदरक जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश गार्लिक डालते हैं तो उससे थोड़ा टेस्ट और बेटर आता है। तो चलिए हम इस दाल को अब कन्वर्ट कर देते हैं अंदर। इसको दो बैच में हम पीसेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर ये पिस नहीं रहा है तो बीच बीच में हम खोल के इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो ये पिस गया, बड़ा फाइन पिसा है देखिए। ऐसे करके हम सारा बैटर पीस लेंगे। तो ये सारा बैटर पिस गया है। इसको हम साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और ले लेंगे क्योंकि बहुत ये जैसे आप देख सकते हैं थिक है और इसके चीले स्प्रेड नहीं होंगे, तो थोड़ा सा हम पानी ले लेंगे इसके अंदर और ऐसे पानी अंदर डाल के चलाएंगे तो ये साफ़ भी हो जाएगा और हमें बैटर की कंसिस्टेंसी भी मिल जाएगी। बस ज़्यादा नहीं, देखिए जैसे ये साफ़ हो गया, इसके थोड़े से एजेस हैं। अब हम बैटर में डालेंगे सब्जियाँ, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप कितनी भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ऑलरेडी काट के रखी हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये कैरेट है, ये अनियन है, ये शिमला मिर्च कैप्सिकम है, ये कटी हुई जिंजर है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल टेस्ट करेगा, यहाँ पे ये नेचुरली मैंने घिस के रखा है और ये बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। ये आपका कोरिएंडर पत्ते हो गए एंड ये थोड़ा सा चिली, ये चिली ऑप्शनल है, ये सब कुछ ऑप्शनल है, वैसे तो आपको जितना डालना डालिए, जितनी सब्ज़ी आपके पास उतना डालिए। और ये कड़ी पत्ता है, पानी बहुत सोच समझ के डालें शुरुआत में क्योंकि नमक जब हम ऐड करेंगे इसमें तो सब्जियां भी थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं, तो नमक स्वाद अनुसार हम डाल रहे हैं इसमें। बिल्कुल डोसे जैसी कंसिस्टेंसी इसमें चाहिए। अभी ये थोड़ा सा थिक है लेकिन हम वेट कर सकते हैं क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी। अभी पहले हम गैस ऑन करेंगे और ऐसा एक तवा रख लेंगे। तवा अगर आपका नॉनस्टिक है तो और भी बढ़िया है। और हम इसको थोड़ा सा ऑयल से कोट करेंगे। इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये देखिए बिल्कुल इजीली ये चम्मच से बाहर जा रहा है। ये देखिए तवा बिल्कुल गर्म है, धुआं आ रहा है इसमें से। इसको हम ऐसे दोनों तरफ से सेक लेंगे और दूसरी साइड के लिए थोड़ा सा एडजस्ट से ऑयल। अब हम इसको पलट लेंगे और ये ऑलमोस्ट रेडी है। आपको कितना क्रिस्प करना है वो आपके ऊपर है, ऐसे भी चल जाएगा, ये बिल्कुल रेडी टू ईट है ये, लेकिन मैं थोड़ा सा कड़ा खाता हूँ तो थोड़ा देर और इसको पका लेंगे कि काफ़ी क्रिस्पी हो चुका है। एक बार पलट के देख लेते हैं, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सर्व कर देंगे। इसको रेड चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये क्या है, फिर इसने कुछ बना लिया, चलिए देखते हैं क्या है। अरे वाह,
अच्छा बना है, बहुत बढ़िया बना है। आई होप ये आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है, जब कम टाइम हो तो ये ज़रूर बनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही था, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और नए नए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही निकालता रहूँगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है मेरे वीडियोज़ में, ताकि मैं आगे वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन कर सकूँ। थैंक यू।